हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम संडे स्पेशल मैगी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी वाली मैगी है। मैं इसे थोड़ी थिक बनाऊंगी। बहुत सो को ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, पर मुझे थिक वाली मैगी अच्छी लगती है। तो चलिए, कैसे बनाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैन सुधा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी मैगी और पास्ता। तो मैंने मैगी को पहले ही बॉइल कर लिया है, ये देखिए, और उसकी सारी तैयारी कर लिया है। यहाँ पे ले लिया है टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, लहसुन काट लिया है, और यहाँ पे प्याज भी ले लिया, थोड़ी सी मटर ले लिया है, और ये पास्ता वाला थोड़ा सा मसाला ले लिया है। तो सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूंगी, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो आज मैं इसे जिस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में बनाऊंगी। हल्का सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, ग्रीन चिली को भी डाल दूंगी, प्याज को डाल देंगे। प्याज मैंने बहुत सारी लिया है क्योंकि मैगी में बहुत अच्छी लगती है अगर हम प्याज डालते हैं। डाल दूंगी मैं इसमें गार्लिक जो हमने बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी ग्रीन मटर। हल्का सा नमक डाल देंगे क्योंकि हम मैगी मसाला भी डालेंगे। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। सब कहते हैं 5 मिनट में मैगी बन जाती है, पर 5 मिनट में कभी मैगी नहीं बनती है। कम से कम 10 मिनट में बनती है मैगी अगर हम अच्छी तरीके से इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मसाला ले लिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्दी, मिर्च और गरम मसाला ले लिया हल्का सा, और मटर को सॉफ्ट होने देंगे। अब तो मैगी डाल दिया मैंने इसमें, अब डाल देंगे हम चीज़ और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ऐसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने थिक वाली बनाई है मैगी। अब डाल देंगे इसमें मैगी मसाला और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। तो मैगी बनके हमारी तैयार है। तो आपको कैसी लगी मेरी मैगी संडे स्पेशल, तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।